आ जाएगा। भाव संसार अपना है, अपने से होता है। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप जीव वीर्य निष्पूर्णा ग्रहण करे जड़ दो। देखो कैसा कैसा ये ग्रहण करने में और पकड़ने में क्या क्या साधन अपने को मिला है। वही साधन से वो व्यक्ति जो जागता है, होश है, तो व्यक्ति वो साधनों से वो जड़े खत्म कर देता है। जड़े खत्म हो जाते, जड़ खत्म करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा, प्लान नहीं बनाना पड़ेगा। ये प्लान नहीं बनाना पड़ता है बाहर में संसार बढ़ाने में। यहाँ तो सब साक्षी भाव शुरू हुआ, सब काम साफ, कुछ नहीं बचेगा। तो भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, चेतन से खड़ा होता, आत्मा से खड़ा होता, निगोद को भी होता, इसलिए कर्म है। पूरा बेहोशी, इतनी सघन बेहोशी निगोद के लिए, ये बेहोशी ही कर्म बंध का कारण है। प्रवृत्ति तो है नहीं, जन्म तो इतनी झड़प से उसका होता, एक अपना श्वासोश्वास उसमें वो जीवों का 70.5 भव होता। तो कैसा हम बोलेता तो उसी से ज्यादा भव हो जाता, तो भी नरक से ज्यादा दुख है निगोद में। यहाँ पर भी भरा है, अपने कान के छिद्रों में भी, नाक के छिद्रों में भी वो सूक्ष्म निगोद का जीव भरा है। किसी से हणा हणा ही नहीं, मारा मरे नहीं, जलायो तो जले नहीं, या चाहे इस अग्नि प्रकट कर वो नहीं जलता। कैसा है सूक्ष्म निगोद जी, कोई नहीं कुछ होता, हम उसका शरीर भी नहीं देख सकते। हम देखते हैं कभी थूल शरीर देखते हैं, बादर जो है एकंदरी 5 थावर वो हम शरीर देखते हैं, दूसरों का भी शरीर देखते हैं, ये भी हम हमारा भी शरीर देखते हैं। आत्मा देखा ये क्या है, शरीर पुद्गल चढ़ आत्मा देखा, ऐसे दिखाओ हलो है क्यों, तो उसमें नहीं है तो क्यों अनुभव नहीं। आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, मन है, बुद्धि है, कितना तैयार है दूसरों की बातों पकड़ने में, व्यक्ति कितना तैयार है, छोटी चीज छोटी बात तो पकड़ लेता है दूसरों की, और खुद के भीतर में पहाड़ जितनी अवस्था हो नेगेटिव तो भी व्यक्ति को देखने में नहीं आती है, कैसी मूर्छित अवस्था। देखो ये देश ये राग, ये देश ये राग कैसा चलता है। एक जहां तक रहेगा तहां तक अपनी अंतर अवस्था कभी ठीक नहीं होगी। अपने को अपने का अपने को ठीक होना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में काम करना पड़ेगा। तो राग द्वेष निज कल्पना माटे चेतन रूप जीव वीर्य निस्पूर्णा, क्या स्पूर्णा होती है, एक शरीर की एलर्जी है, शक्ति है, ताकत है, ऊर्जा शरीर की, मन की भी है और एक आत्मा की है। आत्मा की शक्ति है वहां तक व्यक्ति नहीं पहुंचा, शरीर की शक्ति में तो वीकनेस दिखाती है, मन मूडलेस हो जाता है, ठीक नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, असुख असुख लगता है, जी ऊंडा ऊंडा उतरता है, ऐसा बोलता है, घबराहट होता है, डिप्रेशन होता, रोने लग जाता, कुछ नहीं है बेटा बेटा रोने लग जाता, ऐसा क्यों होता है। देखो खुद का विचारो, खुद कंट्रोल नहीं कर पाता है तो यह अवस्था होती है। तो राग द्वेष को कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा, वहां डिप्रेशन हो जाता है विचारों से। तो राग द्वेष से जो व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो गया, मूर्छित, बिल्कुल मूर्छित। जो राग द्वेष से ऊपर उठ गया तो, लेकिन दो शक्ति, एक शारीरिक और एक आत्मा की, 10 प्राणों की जो शक्ति है बहुत है शक्ति, लेकिन हमारी सारी शक्ति और समय नेगेटिव में चला जा रहा है, इसलिए हम हमारे भीतर में राग द्वेष का गुणाकार हो रहा है। जो व्यक्ति जागरण
तो उस सब दसों प्राणों की शक्ति और समय व्यक्ति पॉजिटिव में आएगा तो व्यक्ति की आत्मा की जो शक्ति अनंत अंतराय कर्म खत्म होने से क्या होता है, अनंत शक्ति कितनी जिसकी गिनती नहीं होती, इतनी अनंत शक्ति अपनी पास भरपूर भरी है। एक एक चीज अनंत है आत्मा में, तो वो थोड़ा भी अपने को अनुभव करना हो तो व्यक्ति को काम करना पड़ेगा जागरण। जीव वीर्य निष्पूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप, ग्रहण करने वाला पकड़ने वाला कौन है, जड़ धूप मन बुद्धि इंद्रियों ये दस प्राण, ये जड़ धूप जड़ है, ये पकड़ता है। क्यों पकड़ता है, बेहोश, बेहोशी से पकड़ा जाता है। होश होता तो बोध होता है, देखो दृश्य हो इंद्रिय हो व्यक्ति हो निमित्त हो सब कुछ हो, लेकिन होश होगा तो बोध होगा और होश नहीं होगा तो अज्ञान होगा, अज्ञान का गुणा का वो अपना संसार कैसे पार पाएगा। जहां तक ये प्रोडक्ट बंद नहीं होगी अपनी पकड़ने की तहां तक, लेकिन पकड़ना बंद तो तभी होता जब होश हो, उसके बिना तो एक काम कभी किसी से हुआ ऐसा सुना नहीं है और माना भी नहीं देखा भी नहीं। जिसके पास होश होता है तो जीव वीर्य नहीं सुनना, तो द्रव्य कर्म आत्मा के साथ उसके पर तो है, अपना आत्मा है ना, शरीर में देह मंदिर में आत्मा विराजमान है तो ये आत्मा के पर, जैसे हमारे शरीर पर कपड़ा पहना है हमने, ऐसे आत्मा पर कर्मों की पर तो है। इसलिए यहाँ से जो मिलता है, जो जो जीव को जो जो गति से जो मिलता है वो इधर रह जाता है, जो कर्म है वो साथ में चलता है। तो ये पर तो लगी है उसके पर, वो पर तो जब खुलती है स्थिति पकती है, स्थिति पकने पर खुलती है, खुलते तो बाहर आती, बाहर आना सुराईमान होता है। गाड़ी जब रिवर्स लेते तो क्या होता है, लाइट देखा है, ऐसे ऐसे होते न जावे, इसलिए सजेस्ट करता है सिंगल देता है, लेकिन तो फिर बेहोशी वाली व्यक्ति टकरा देता है, ठोक देता है, देखो कैसा है, उसका नाम बेहोशी। बेहोशी में से एक्सीडेंट होता है अपने भीतर भी और बाहर के जगत में भी, कोई भी जगह पर एक्सीडेंट हुआ बेहोशी से होता है। हाँ हम होश से चला रहे लेकिन वो व्यक्ति होश से नहीं है तो ठोक देगा, ऐसा है। बेहोशी से सभी जगह पर सब जीवों को नुकसान ही नुकसान है, होश जिसके पास है वो सब क्षेत्र में कोई तकलीफ नहीं, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। ऐसा लाभ आपने कभी देखा ना हो, ऐसा लाभ आपको लाभ क्या देखने में आता है, लगता है लाभ शुभ शुभ लाभ, मेन गेट की दोनों ओर अभी तो टिकर आ गया, टिकर चिपका देता लाभ शुभ, वो क्या सजेस्ट करता ये तिलक भी टिका क्या आर्टिफिशियल, कैंसर हो जाएगा वहाँ, गम जो है उसी से असल चीज आपका तो मीटिंग चाहिए ना सभी में, लेकिन भीतर से सब कितना अपचय, कितना अपचय, क्या चीज है। तो अपनी भीतर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो हम व्यक्ति को अपनी वर्तमान अवस्था को हमको देखना है और देखेगा तो अपना काम हो जाएगा। तो ये जब बाहर आता है तब वो टकराता अर्थिंग होता, दो चीज कोई भी हो अर्थिंग होने से तीसरी चीज होती है, एक नियम है कोई भी जगह पर, कोई वस्तु हो तो फिर ज्ञान, व्यक्ति हो तो फिर ज्ञान, चेतना हो तो फिर कोई भी हो, दो चीज टकराई तीसरी चीज आई बाहर, बादल गर्जना होती है तो उसी से टकराना, दो दो टकराता तो ऐसा है जो पायलट जो ठीक नहीं हो और जो बादल इतना जमा है इतना सघन और इच्छा जो टकराया तो प्लेन को भी इसे चेक देता, इतनी ताकत प्लेन की क्या ताकत, इतना जबरदस्त एक दूसरा टकराया और बीच में आ गया प्लेन नीचे,
तो जैसे वो बादल टकराता है तो उसी से दो चीज बाहर आती है, एक आवाज और एक प्रभाव। आवाज तो टकरा या आवाज आता है, हवा भी टकराती है तो आवाज आता है, उसकी सुसुराहट अपने को सुनाई देती है, अपने श्वासोश्वास भी अपने सुनाई देता है, जो व्यक्ति इतना सजाग हो तो। लेकिन हमको तो मूर्छित अवस्था में कोई ऐसा करे तो भी जागता नहीं, तो कैसे काम होगा। तो ये अवस्था में जो दो चीज टकराई तो उसे से बाहर आई, जैसे बिजली, ऐसे कर्म द्रव्य कर्म का उदय जब बाहर आता है तब आत्मा के साथ उसका अर्थिंग होता है। वहां पर है ना, उसके पर लगा है ना, यहाँ पर लगा है, तो जो कोई खोले तो नीचे वाली चीजों को असर होते है। कपड़ा पहना है कुछ चिपक गया, आपने निकाला तो आपको मालूम होता है। ऐसे जब आत्मा के पर लगी हुई द्रव्य कर्म के पर जब फूलती है तब अर्थिंग होता है, अर्थिंग होने से राग द्वेष होता है। भाव कर्म कहाँ तक पहुंचे, भाव कर्म की क्या चीज है, बराबर सुन लो और सजाग हो जाओ तो अपने भीतर से भाव कर्म जड़े खत्म। लेकिन क्या करो, अपने जहाँ तक वो जागरण नहीं आएगा, जागरण के बिना वो कम होगा संभव नहीं। जागरण होगा लेकिन बवाएगा तो सब साफ, अपनी जो चीज है आत्मा की जो चीज है वो सब रहेगी, बाकी सब साफ क्षणों में। तो ये अर्थिंग होने से फिर बाहर आता है, फिर कौन पकड़ता है, जी वीर यानी पूर्णा ग्रहण करे जड़ दुख। जड़ दुख क्या, मन शरीर ये 10 प्राण। तो पहला सबसे सबल बलवान प्राण जो हो तो मन, वो मन को वो प्रकृति बाहर आई, थूल हुई 14 स्पर्शी से 8 स्पर्शी हो गई बाहर आई, उसके साथ फिर और थूल घर्षण हुआ अपना मन में, कॉन्शियस मन में, फिर क्या होता है, वहां जो है सूक्ष्म वो तो साक्षी भाव के बिना कभी मालूम नहीं होगा, कुछ भी करवा लेकिन अपने बीच से काट देना, वहां तक नहीं पहुंचा बीच से काट दो। जागरण है अपनी बात तो मन, मन को वो प्रकृति पकड़ेगी नहीं, क्या वो बार आई हो नहीं पकड़ेगी तो व्यक्ति कितना स्वस्थ रहेगा, कितना भला चंगा रहेगा।